फ्रेंड्स, मैं विवेक श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे टॉपिक्स होंगे व्हाट इज रिस्क असेसमेंट, फाइव स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, व्हाई इज रिस्क असेसमेंट इम्पोर्टेंट, फिर व्हाट इज द गोल ऑफ रिस्क असेसमेंट, फिर है हु शुड डू रिस्क असेसमेंट। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला टॉपिक, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट इज सिंपली ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट इन आवर वर्क कुड कॉज हार्म टू पीपल सो दैट वी कैन वे अप वेदर वी हैव टेकन इनफ प्रिकॉशंस और वी शुड डू मोर टू प्रिवेंट हार्म। देखिए फ्रेंड्स, रिस्क असेसमेंट इस बात की सावधानीपूर्वक जांच करता है कि हमारे काम में लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, ताकि हम संतुलन कर सकें कि हमने पर्याप्त प्रिकॉशंस लिए हैं या हमें नुकसान को रोकने के लिए और अधिक करना चाहिए। फ्रेंड्स, सिंपल सोचिए, रिस्क असेसमेंट मतलब जो रिस्क है उसका मूल्यांकन करना, यानी कि अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आप वर्कर के काम में रिस्क को देखेंगे कि उस काम में कितना रिस्क है, इसी को रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज की हमारी अगली टॉपिक देखते हैं, व्हाट आर फाइव स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। अब हम देखेंगे रिस्क को मूल्यांकन करने के पांच स्टेप्स कौन कौन है। पहला है आइडेंटिफाई द हैजार्ड, हैजार्ड को पहचानना। पहले स्टेप में हम हैजार्ड को पहचानते हैं। अगला है डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, अब यह डिसाइड करना है कि किसे चोट लग सकता है और कैसे। अगला है इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, अब उस हैजार्ड से होने वाले रिस्क का मूल्यांकन करते हैं कि उस हैजार्ड में रिस्क का लेवल क्या है, फिर उसके लिए प्रिकॉशन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिस्क का लेवल निकालने का तरीका होता है कि किसी काम में रिस्क का लेवल कितना है। अगर आप सबका कमेंट्स आता है तो मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं चौथा स्टेप, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। अब जो फाइंडिंग्स है उस सब को रिकॉर्ड करते हैं और इन सब पर इम्प्लीमेंट करना है। अगला है रिव्यू योर असेसमेंट एंड अपडेट इफ नेसेसरी, अब जो रिस्क का मूल्यांकन किए हैं उसे रिव्यू करते हैं और यदि ज़रूरत पड़े तो उसे अपडेट भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे पांच स्टेप्स किसी काम में रिस्क का मूल्यांकन करने के। हमारी अगली टॉपिक है व्हाई इज रिस्क असेसमेंट इम्पॉर्टेंट। रिस्क असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू, पहला है क्रिएट अवेयरनेस ऑफ हैजार्ड्स एंड रिस्क, यानी कि यह हैजार्ड्स एवं रिस्क के प्रति जागरूकता को पैदा करता है, यह हमें हैजार्ड और रिस्क के प्रति जागरूक रखता है। अगला है आइडेंटिफाई हु माइट बी एट रिस्क, एम्प्लॉइज, क्लीनर्स, विजिटर्स, पब्लिक, मतलब यह पहचानता है कि कौन रिस्क में है, किसके साथ खतरा हो सकता है, एम्प्लॉय के साथ कि क्लीनर्स के साथ कि विजिटर्स के साथ या पब्लिक के साथ। अगला है डिटरमाइन द एग्जाइटिंग कंट्रोल मेजर्स आर एडिक्वेट और वी नीड मोर रिस्क असेसमेंट, यह निश्चित करता है कि जो एग्जाइटिंग कंट्रोल मेजर्स हैं वो पर्याप्त हैं या हमें उससे अधिक की ज़रूरत है। अगला है प्रिवेंट इंजरीज और इलनेस, यानी कि रिस्क असेसमेंट इंजरीज और इलनेसेज को दूर करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कारण जिनके लिए हमें रिस्क का असेसमेंट करना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, हमारी अगली टॉपिक है व्हाट इज द गोल ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का लक्ष्य क्या होता है? द गोल ऑफ ए रिस्क असेसमेंट इज रिमूव द हैजार्ड्स और रिड्यूस द लेवल ऑफ इट्स रिस्क बाई एडिंग कंट्रोल मेजर्स, यानी कि रिस्क असेसमेंट का गोल कंट्रोल मेजर्स का यूज करते हुए हैजार्ड्स को दूर करना या उसके रिस्क को या इसके रिस्क के लेवल को कम करना होता है। फ्रेंड्स, हमारी अगली टॉपिक है हु शुड डू रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट किसे करना चाहिए? असेसमेंट शुड बी डन बाई ए कॉम्पिटेंट टीम हु हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द वर्क प्लेसेज। स्टाफ शुड बी इन्वॉल्व इंक्लूडिंग वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स, दे आर मोस्ट फैमिलियर विद द ऑपरेशन। देखिए फ्रेंड्स, रिस्क का मूल्यांकन एक सक्षम टीम द्वारा किया जाना चाहिए जिसे कार्यस्थल का अच्छा ज्ञान हो। इसमें वर्कर्स और सुपरवाइजर्स के सहित स्टाफ भी इन्वॉल्व होने चाहिए क्योंकि वे ऑपरेशन से सबसे अधिक परिचित होते हैं। फ्रेंड्स,
इस वीडियो में हमने रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट यूनिट के 5 क्वेश्चंस को कवर किया है। यह इस यूनिट का पार्ट 1 है। अगले वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को देखेंगे। सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।